हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने ग्वार के फली के कोफ्ते बनाए हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं, अंदर से जूसी और स्पंजी बनते हैं। एक बार आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए मैंने इन्हें कैसे बनाया है। मैंने 200 ग्राम के करीब ग्वार फली ली हैं। ये देखिए बिल्कुल कच्ची ग्वार फली ली हैं। ग्वार फली जब भी लें तो थोड़ी कच्ची ही लें, ज़्यादा पकी हुई ना लें। कच्ची ग्वार फली होंगी तो कोफ्ते ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब एक कुकर में डाल देंगे क्योंकि इन्हें हम पकाएंगे, तो साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा पानी। मैंने आधा कप पानी डाला है। पानी इतना ही डालें कि बस ये पक जाएं। तो ढक्कन लगा देंगे और एक सीटी आने तक इन्हें पका लेंगे। फ्लेम को सिम रखेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे क्योंकि मैंने पानी बहुत कम डाला है। अभी कुकर ठंडा होने के बाद खोल के देखते हैं। ये देखिए ग्वार फली पक गई हैं और पानी भी नहीं बचा। अगर पानी ज़्यादा भी हो तो कोई बात नहीं, अगर बच जाए तो उसे हम ग्रेवी में यूज कर लेंगे। ग्वार फली को कभी भी निचोड़ना नहीं चाहिए। निचोड़ने से इसके न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और आयरन होता है। ग्वार फली के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। इससे BP कंट्रोल रहता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है और डाइजेशन भी सही रहता है। इसलिए ग्वार फली ज़रूर खानी चाहिए। अब इसकी हम बाइंडिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने आधा कटा हुआ प्याज लिया है, एक हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ही नमक डाल लेंगे और ये आधा चम्मच के करीब अजवाइन ली है। अजवाइन ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मैंने 4 चम्मच बेसन डाला है। इसे हम बाइंड करेंगे तो बेसन की ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे, नहीं तो ज़्यादा बेसन नहीं डालना। ज़्यादा बेसन डालेंगे तो कोफ्ते हार्ड बनेंगे। बेसन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसके लिए मैं 2 चम्मच और डालूँगी। बस बेसन इतना ही डालेंगे कि इसे बाइंड करके देख लेंगे तो गोली से बनने लग जाए, तो ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे। अब इन्हें हम तेल में डालेंगे। तेल को पहले गर्म कर लें अच्छे से, फिर उसे सिम कर दें। गैस को सिम करके ही कोफ्ते डालें, नहीं तो ये डालते डालते ही जल जाएंगे। बाद में हम इसकी फ्लेम बढ़ा सकते हैं, तो मीडियम आंच पे इसे पका लेंगे। बाद में उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। आंच को मीडियम कर लेंगे, तेज आंच में नहीं पकाएंगे। तेज आंच में ये बाहर से जल्दी ही जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो देखिए हमने सारे कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब तड़का तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक कड़छी ऑयल ले लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें जीरा डाल देंगे, एक तेज पत्ता डाल देंगे। ये मैंने एक बड़ी इलायची और 2 लौंग ली हैं। इन्हें हम कूट के डालेंगे। कूट के डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट। ये 3 मीडियम साइज प्याज हैं, इन्हें मैंने पीस लिया है। इन्हें अच्छे से भून लेंगे। जितना अच्छा प्याज भुनेगा उतनी अच्छी सब्जी बनेगी। कोई भी सब्जी बनाए तो प्याज को अच्छे से भुने। प्याज अच्छे से नहीं भुनेगा तो कच्ची कच्ची स्मेल आती रहती है। तो जब तक प्याज ब्राउन नहीं हो जाता तब तक भुनेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। एक दो मिनट के बाद ये बाइंड होने लगेगा। तो देखिए बाइंड हो गया है, तो अच्छे से भुन गया है। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ये गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब ये 4 टमाटर की प्यूरी बनाई है मैंने, ये भी डाल देंगे। इसे भी भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। मसाले अच्छे से भून गए हैं तो इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। 1.5 गिलास पानी डाल के इसे अच्छे से ढक के पका देंगे। जब तक उबाल नहीं आ जाता जब तक हम वेट करेंगे। ये देखिए ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हमने जो कोफ्ते बना के रखे हैं वो ग्रेवी में डाल देंगे। फिर से 6-7 मिनट के लिए पका लेंगे इन्हें। अब 6-7 मिनट के बाद चेक करेंगे।
ये देखिए कितने अच्छे कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं। अच्छे से पक गए हैं। ये गैस को बंद कर देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। देखा आपने कितने अच्छे कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू।